हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग सऊदी अरबिया में सवखास के वीजे मतलब हाउस ड्राइवर वीजे में आते हैं, वो लोग जो है अगर बड़ा गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग सऊदी में हाउस ड्राइवर में वीजे में रहते हैं, वो लोगों का बहुत जो है सवाल रहता है कि मैं अगर बड़ा गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहूँ तो भाई क्या बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं, थोड़ा आप बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सवखास का वीजा होता है, हाउस ड्राइवर का वीजा होता है, सिर्फ आप फैमिली गाड़ी जो है आप चला सकते हो। जो आपको सऊदी बुलाया है उसका घर का आप गाड़ी चला सकते हो। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप सिर्फ प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हो। बड़ा गाड़ी का अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, हाई बी गाड़ी का जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो सऊदी अरबिया में, तो आप नहीं बनवा सकते हो। क्यों? इसके पीछे रीजन है। देखिए दोस्तों, जो सवखास का वीजा होता है, अगर आप सऊदीया में हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो सवखास का वीजे का एकामा जो है, एकामा अगर आप बनवाते हो, आपका कफील बनवाता है, तो 1000 से 1200 रियाल में बन जाता है। और जो लोग हाईवे गाड़ी के वीजे में आए हैं, अगर उनका एकामा सऊदीया में बनवाना है सऊदी अरबिया में, तो 10000 से 12000 रियाल लगता है। तो सोचिए कितना फर्क है, 10 गुना जो है फर्क है। तो इसके वजह से दोस्तों, सवखास वाले जो है वीजे पे बड़ा गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस जो है नहीं बनवा सकते। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा रहेगा कि जो सवखास के वीजे पे आते हैं वो लोग बड़ा गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ का सऊदी जो है बहुत होशियार है। वो लोग क्या करेंगे कि इंडिया, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो है सवखास के वीजे पे मंगाएंगे आदमी, और 10-12 गाड़ी जो है बड़ा खर्द देंगे और बोलेंगे कि बाहर चलाओ। तो सोचिए, एक गाड़ी से अगर सऊदी 5000 रियाल एक दिन में कमाता है, तो 10 गाड़ी है तो कितना कमाता है। तो इसके वजह से दोस्तों, यहाँ की जो हुकूमत है परमिशन नहीं देता है कि जो लोग सवखास पे आके बाहर जो है काम नहीं कर सकते हैं, बड़ा गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं सवखास वाले पे। और ज्यादातर मैं यहाँ पे देखा हूँ कि सवखास वीजे पे आके जो है बिल्डिंग लाइन में बाहर काम करते हैं, और पकड़ने जाने के बाद दोस्तों सीधे वो जहां से आए, इंडिया से, चाहे बांग्लादेश से, चाहे पाकिस्तान से, वो लोग डायरेक्ट अपने घर पे चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ की जो पुलिस है, सुरता है, नहीं छोड़ता है। सवखास वाले पे बहुत जो है यहाँ पे कड़ी जो है पाबंदी है कि बाहर काम नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप जिसके अंदर आए हो सऊदी के घर का गाड़ी चलाने के लिए, आप सिर्फ वो जो है गाड़ी चला सकते हो। तो आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दी आप पसंद आया होगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल आप लोगों को रहता है, तो इसीलिए मैं कोशिश किया आप लोगों का सवाल जो है देने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आए हैं पहली बार तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एम करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।